1 2 4, फिर आपको इस स्टांजा पर से A1 से लेकर A3 तक के दिए गए हैं एक्टिविटीज, और फिर लास्ट जो होगा एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। अभी इस वीडियो में मैंने एप्रिसिएशन के पॉइंट्स भी आपको क्लियर कर दिए। ये चार चीज़ें आपकी होमवर्क रहेगी, ये स्कूल खुलने के बाद हर एक स्टूडेंट की चेक की जाएगी। आपकी आसानी के लिए एप्रिसिएशन के पॉइंट्स मैं यहाँ पर इस पेज पर फिर से बता देती हूँ। ये है पॉइंट्स फॉर एप्रिसिएशन, टाइटल, नेम ऑफ द पोएट, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच एनीवन, थीम और सेंट्रल आइडिया इन 2 to 3 लाइंस। ये है एप्रिसिएशन के पॉइंट्स। स्कूल खुलने पर आपको ये सब कंप्लीट करके लाना है और हर एक स्टूडेंट की नोटबुक चेक की जाएगी। इंग्लिश के लिए 200 पेजेस का एक लॉन्ग बुक लेना है आपको, उसमें हमें दोनों साइड से लिखना होगा। लेफ्ट हैंड साइड से पहले पेज पर आपका नाम, क्लास, सब्जेक्ट वगैरह होगा। नेक्स्ट पेज पर आपकी इंडेक्स होगी, जिस दिन आपको ये वीडियो दी जाएगी उस दिन की डेट डालकर आपको इंडेक्स में इस टॉपिक को मेंशन करना है, और इसमें से चिट चैट, इंग्लिश वर्कशॉप और स्टांजा, ये तीनों एक्टिविटीज़ आपको लेफ्ट हैंड साइड से लिखना है। उसके बाद एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, इसे हम लेंगे राइट साइड से। राइट साइड से पहला पेज आपका नाम वगैरह का रहेगा, उसके बाद इंडेक्स रहेगी। इंडेक्स में आपको असाइनमेंट नंबर 1 लिखना है सेम डेट के साथ जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगा। तीसरे पेज पर जब आप लोग आओगे, असाइनमेंट की जब आप हेडिंग लिखेंगे तो उसे कुछ इस तरह लिखना होगा, रेड लाइन के ऊपर असाइनमेंट नंबर 1। और अब असाइनमेंट आपने किस पोएम का, किस लेसन का लिखा है यहाँ पर आपको वो मेंशन करना होगा। इंडेक्स में सिर्फ असाइनमेंट नंबर होगा डेट के साथ। नए पेज पर रेड लाइन के ऊपर असाइनमेंट नंबर और उसके साथ जिस पोएम का आप एप्रिसिएशन लिख रहे हो वो, जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ अ टीन एजर्स प्रेयर, ये रेड लाइन के ऊपर ये दो हेडिंग होगी। हर एक स्टूडेंट का होमवर्क चेक किया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से आपको ये तमाम वर्क ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। अब आप वीडियो के जरिए जब देखोगे, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कुछ पूछना भी हो, वो ना पूछ पाए, आप उसको नोट करके रखिए। जिस वक्त भी स्कूल खुलेगा आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।